हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स नेशनल लर्न विद कॉन्फिडेंस। दोस्तों, जैसा कि आप हमें जानते ही होंगे पहले से, माई सेल्फ प्रभुनाल पटेल, बीकॉम एमकॉम पास आउट फ्रॉम बीएचयू। और आपको मैं बता दूं, मेरा नेट भी अभी फ़िलहाल में क्लियर हुआ है और मैं सीए फाइनल का भी स्टूडेंट हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, एक लॉकडाउन चल रहा है और आप लोग घर बैठे हो, आप लोगों को वीडियो का ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए हम लोग आज, जो आप बहुत बच्चों ने बोला कि सर अकाउंट का वीडियो कब आएगा, तो मैंने अमन सर से पर्सनली रिक्वेस्ट किया कि सर कुछ वीडियो आप ही डाल दीजिए, उसके बाद हम बनाते हैं। तो सर ने दो तीन वीडियो डाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज हम आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो सेकेंड पार्ट है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो कैश फ्लो का जो फर्स्ट पार्ट है वो प्ले लिस्ट में जाके वहाँ पर आप देख सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट आज जो सेकंड है। इसके पहले, इसको बताने से पहले थोड़ा फर्स्ट का मैं रिव्यू दे दूं कि कैश फ्लो होता क्या है। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक पर्टिकुलर पीरियड पे बनाया गया एक स्टेटमेंट होता है, जिसमें मेरे बिजनेस में कितना कैश आया, कितना कैश गया, उसका एक इन्फॉर्मेशन होता है। उसके लिए एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में ओनली हम करेंट एसेट्स के कैश से रिलेटेड आइटम को ही कंसिडर करते हैं, जिसमें कैश इक्विवेलेंट आता है तो जो विद इन 3 मंथ के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे उसको कैश इक्विवेलेंट के नाम से जानते हैं। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में कितने एक्टिविटीज होते हैं, 3, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, जो कि पहले वीडियो में ही सारा कुछ डिस्कस किया गया है। अब ऑपरेटिंग में इनफ्लो एंड आउटफ्लो में क्या क्या आते हैं, इन्वेस्टिंग में इनफ्लो आउटफ्लो, फाइनेंसिंग क्या होते हैं, इनफ्लो आउटफ्लो, ये सब सारा फर्स्ट वीडियो में इंक्लूड है। तो आइए सेकेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं एक नई एनर्जी के साथ। लॉकडाउन में आप लोग घर बैठे हो, लॉकडाउन पालन करो, ये सबसे अच्छी बात है। घर बैठ के आप ऑनलाइन वीडियो देखते रहो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बीच में शेयर करते रहो। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। तो आइए देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो सेकेंड पार्ट है उसका कुछ इन्फॉर्मेशन नोट्स है। इसके बाद भी कुछ है नोट्स लिखाएंगे, इसके उसके बाद आपको एक दो वीडियो बना देंगे जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देंगे कि कैसे इंट्रेंस एग्जाम में बीकॉम एमकॉम दोनों में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में कुछ क्वेश्चन लेकर। तो लिखा है, इफ़ कंपनी इज डूइंग फाइनेंस बिजनेस, करा कि अगर कोई कंपनी है अगर फाइनेंस बिजनेस करती है तो उसके लिए तो लोन देना, लोन लेना क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, और डिविडेंड रिसीव करना क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। बट एक बात हमेशा ध्यान रखना, डिविडेंड पेड करना हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज रहेगा, चाहे वह फाइनेंसिंग कंपनी हो चाहे नॉन फाइनेंसिंग कंपनी हो, डिविडेंड पेड करना हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ होगा। अगर फाइनेंसिंग कंपनी हुई तो डिविडेंड रिसीव करना ऑपरेटिंग हो जाएगा, और इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, पेड चाहे रिसीव होगा, दोनों ऑपरेटिंग हो जाएंगे। तो इसका हम एक अलग से चार्ट बना देंगे इंटरेस्ट का, जैसे या फिर आप ऐसे सीधे समझ लो। देखो, पहले हम बात करेंगे नॉन फाइनेंसिंग कंपनी का। तो नॉन फाइनेंसिंग कंपनी के लिए इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव करना इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव करना क्या होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होगा, इंटरेस्ट डिविडेंड पेड करना फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होगा नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए। और अगर कि फाइनेंसिंग कंपनी है तो क्या होगा, इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव करना तो ऑपरेटिंग होगा, और इंटरेस्ट पेड करना ऑपरेटिंग होगा, बट डिविडेंड पेड करना फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। हमेशा देखो, चार चीज हमेशा आएगा ना, इंटरेस्ट पेड करना, रिसीव करना, डिविडेंड पेड करना, रिसीव करना। तो अगर फाइनेंसिंग कंपनी नहीं है, नॉन फाइनेंसिंग कंपनी है, तो इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव करना इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव करना इन्वेस्टिंग, और इंटरेस्ट डिविडेंड पेड करना फाइनेंसिंग होगा। वही अगर के फाइनेंसिंग कंपनी रहेगा तो इंटरेस्ट पेड करना, रिसीव करना और डिविडेंड रिसीव करना, ये तीनों ऑपरेटिंग हो जाएंगे, और डिविडेंड पेड करना फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होगा। अब आगे क्या है कि डिविडेंड रिसीव और इंटरेस्ट रिसीव आपका क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग आइटम हो जाएंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स, जो प्रोविजन फॉर टैक्स होता है उसको भी हम ऑपरेटिंग आइटम की तरह ट्रीट करेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स इज ट्रीटेड एज ऑपरेटिंग आइटम। उसके बाद कुछ आएंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। जैसे देखो, कैश फ्लो जो हम बनाते हैं तो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग तीनों आइटम को ऐड कर लेते हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होते हैं उसको। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होते हैं ऐसे आइटम जो जनरल बिजनेस में होते नहीं हैं, अचानक से होते हैं, उससे जो प्रॉफिट और लॉसेस होंगे उसको हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को बोलते हैं। जैसे अचानक से आग लग जाए, लॉस हो जाए, ये सब सारा चीज़ें।
तो डिविडेंड और लोन के इंटरेस्ट को हम सर्विस कॉस्ट बोलते हैं। सर्विस कॉस्ट किसको बोलते हैं? जो डिविडेंड हम पेड करते हैं या फिर इंटरेस्ट पेड करते हैं उसको हम सर्विस कॉस्ट बोलते हैं। बिकॉज हमने लोन लिया था तो एक तरह से सर्विस हमने लिया, उसके बदले जो कॉस्ट इंटरेस्ट और डिविडेंड पेड करेंगे वो सर्विस कॉस्ट होता है। और इधर हमने एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक बनाया हुआ है कि किसकी वजह से कैश बढ़ेगा और किसकी वजह से कैश घटेगा। तो करेंट, देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमेशा करेंट एसेट्स का ओनली कैश से बात किया जाएगा, और करेंट एसेट्स और करेंट लाइबिलिटीज के इंक्रीज डिक्रीज होने से क्या करेंट कैश फ्लो पे कोई प्रॉब्लम होता है या फिर उस पर कुछ इफेक्ट होता है कि नहीं होता है, इसमें देखेंगे। करेंट एसेट्स जब इंक्रीज होगा तो कैश डिक्रीज होगा, क्यों? तो अब देखो करेंट एसेट्स जब बात करेंगे तो कैश फ्लो रहेगा, तो कैश फ्लो तो बना ही रहे स्टेटमेंट, तो उसको एक्सक्लूड करेंगे। तो उसके बाद की सारी चीज़ें, अगर कोई इंक्रीज होगा तो कैश डिक्रीज होगा, बिकॉज अगर हम स्टॉक परचेज करेंगे तो करेंट एसेट्स तो बढ़ रहा है बट मेरे यहाँ से पैसा जा रहा है, इसलिए करेंट एसेट्स क्या होगा तुम्हारा इंक्रीज होगा तो कैश डिक्रीज होगा। करेंट एसेट्स डिक्रीज होगा तो कैश इंक्रीज होगा, बिकॉज अगर हम स्टॉक को बेच देंगे तो हमारे यहाँ तो करेंट एसेट्स कम होगा बट कैश का आइटम बढ़ेगा। तो करेंट एसेट्स यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ओनली कैश को छोड़कर बात कर रहे हैं, कैश उससे एक्सक्लूड करके बात करेंगे। करेंट लाइबिलिटीज इंक्रीज होगा तो कैश इंक्रीज होगा, बिकॉज हम किसी क्रेडिटर से पैसा उधारी लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, पैसा आएगा तो पैसा क्या होगा काउंटर में बढ़ेगा और उधर लाइबिलिटीज भी बढ़ेगा। करेंट लाइबिलिटीज डिक्रीज होगा तो कैश भी डिक्रीज होगा, बिकॉज हम क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे तो करेंट लाइबिलिटीज डिक्रीज होगा और मेरे यहाँ से पैसा भी डिक्रीज होगा। और कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अब जैसे बिजनेस में जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो दो तरीके होते हैं बनाने के, एक डायरेक्ट मेथड होता है और एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। तो इनडायरेक्ट मेथड में जो हम बनाते हैं उल्टा चलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, तो उसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये सब आइटम भी इंक्लूड एक्सक्लूड किए जाते हैं। तो कौन नॉन कैश एक्सपेंसेस में कौन कौन आइटम आएंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम में कौन कौन आइटम आएंगे, तो उसी के बारे में आइए हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो नॉन कैश एक्सपेंसेस कौन कौन होते हैं? डिप्रिसिएशन, देखो जिसकी वजह से हमारे कैश का कोई हलचल ना हो, ना मतलब ना तो कैश आए ना तो कैश जाए, वो ऐसे खर्चे को हम क्या बोलेंगे, नॉन कैश। अब एक्सपेंसेस होंगे तो एक्सपेंसेस, इनकम होंगे तो इनकम। जैसे डिप्रिसिएशन हम एसेट्स का वैल्यू चार्ज करते हैं, एसेट्स में होने वाले डिक्लाइन को हम डिप्रिसिएशन बोलते हैं। तो अब उसकी वजह से हम प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट का पैसा कम कर देते हैं बट एक्चुअल में मेरे पास काउंटर से पैसा बाहर जाता नहीं है। हम एज्यूम कर लेते हैं इतना मेरा एसेट्स कम हो गया होगा, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिख देते हैं, जिससे क्या होता है प्रॉफिट कम दिखता है, तो नॉन कैश एक्सपेंसेज होता है। गुडविल जो रिटर्न अप करते हैं या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न अप करते हैं, ये नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं। फिर उसी तरीके से नॉन कैश इनकम क्या होते हैं, ग्रांट एमोर्टाइज इन प्रॉफिट एंड लॉस। अब ग्रांट क्या होता है, गवर्नमेंट जो अनुदान जिसको बोलते हैं ना, गवर्नमेंट कोई संस्था है उसको कुछ अमाउंट देती है, डोनेट करती है, उसको हम ग्रांट बोलते हैं। तो अब उस ग्रांट को धीरे धीरे इनकम साइड में हम ले जाकर ट्रांसफर कर करके उसको राइट अप कर देते हैं। जैसे गुडविल का धीरे धीरे राइट अप कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट से, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को लॉसेस को धीरे धीरे राइट अप कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, उसी तरीके से जो ग्रांट का इनकम होगा उसको भी हम राइट अप कर देते हैं धीरे धीरे प्रॉफिट एंड लॉस के इनकम साइड से। वो तो नॉन कैश इनकम होते हैं। फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? अब देखो नॉन कैश एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दोनों डिफरेंस है ना, इसमें कैश का न तो कैश, इसमें हम कैश पेड नहीं करते हैं बट यहाँ पे कैश को पेड करना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो जैसे आपका डिबेंचर इंटरेस्ट हो गया, डिबेंचर हमने इशू किया उस पर जो इंटरेस्ट पेड करेंगे, लोन लिए हैं उसके बदले जो इंटरेस्ट पेड करेंगे, और कोई एसेट जैसे 10,000 का है उसको हम बेच देते हैं 8,000 पे, तो जो 2,000 का लॉस होगा वो मेरा क्या होगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज होगा। फिर उसके बाद कोई इन्वेस्टमेंट 15,000 का उसको हम बेच देते हैं 12,000 में, तो जो 3,000 का लॉस होगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज होगा। तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज होते हैं। अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होते हैं? ऐसे इनकम
जो हमारा जो मेन बिजनेस चल रहा है उससे रिलेटेड नहीं होगा, साइड से जो बिजनेस करते हैं उससे जो हमारा इनकम होता है नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है, जैसे गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स को बेचने से जो प्रॉफिट होगा उसको नॉन ऑपरेटिंग इनकम बोलते हैं। जैसे मेरा मेन बिजनेस तो होता है कि गुड्स को बेचना परचेस करना, वो तो ऑपरेटिंग होगा, प्लस कोई बिजनेस में कोई एसेट्स पड़ा था उसको हम खरीदे थे मान लीजिए 20,000 का, बट उसका डिप्रिसिएशन अमाउंट चार्ज करते करते इस समय का बचा है 8,000, अब उसको हम बेच देते हैं 12,000, तो हम 12,000 का 20,000 से नहीं कंपेयर करेंगे, हम 12,000 का 8,000 से कंपेयर करेंगे डिप्रिसिएटेड अमाउंट से, जो मतलब कि डिप्रिसिएशन काटते काटते जो अमाउंट बचा है उस अमाउंट पर, उस अमाउंट से कंपेयर करके हम प्रॉफिट एंड लॉस को निकालेंगे। अगर हम मशीन खरीदे थे 20,000 का, इस समय उसका वैल्यू आ जाए 8,000 और हम बेचते हैं 12,000 का, तो बोलेंगे 4,000 का प्रॉफिट हुआ, 8,000 का लॉस नहीं बोलेंगे, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। तो जो 4,000 का प्रॉफिट होगा वो होगा गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट 10,000 का है उसको अगर हम बेच देते हैं 12,000 में, तो जो 2,000 का प्रॉफिट होगा गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा। हम शेयर किसी दूसरे कंपनी का परचेज किए हुए हैं तो हमको डिविडेंड मिलेगा, वो आपका होगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम, डिविडेंड रिसीव होगा, इंटरेस्ट रिसीव होगा, तो ये आपका क्या होता है नॉन ऑपरेटिंग इनकम होते हैं। तो ये रहा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे बनाते हैं, उसके बाद ऑपरेटिंग एक्टिविटीज देखो फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, जो तीन एक्टिविटीज हैं और मेथड है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो डायरेक्ट मेथड हो चाहे इनडायरेक्ट मेथड हो उसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज सेम चलेंगे, बट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड में, तो वह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें, और आपको कोई भी डाउट हो और कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है, हमारी जो टेक्निकल टीम है आपको 24/7 आपको हमेशा सपोर्ट करेगी, और हम लोगों ने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर रखा है, तो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें और ज़्यादा से ज़्यादा इन्जॉय करें और अपने एंट्रेंस एग्जाम में तैयारी को बूस्ट करें। थैंक यू वेरी मच।